आज यहाँ हम आज के माध्यम से जो सिख बांधव है हमारे यहाँ के उनके साथ में अंदर वो जो दिल्ली में पिछले एक महीने से आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसके समर्थन में आज हम धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के ठंडी में 2 लाख किसान बैठे हैं, लेकिन ये 2 लाख किसानों की भावना सरकार जान नहीं रहा। सरकार ये किसानों के जो प्रश्न है उसकी तरफ दुर्लक्ष कर रहा है। जैसे असंतोष पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान यहाँ तक सीमित नहीं थे, महाराष्ट्र तक भी आ पहुँचा है। और किसानों की भावना से महाराष्ट्र भी जुड़ा है, शिवसेना जुड़ी है। इसलिए शिवसेना ने आज यहाँ पे एक आंदोलन किया है, धरना आंदोलन है, जिसमें सब सिख बांधो इन्होंने भी पुढ़ाकार लिया है। और हम इस आंदोलन को, दिल्ली के आंदोलन को हम समर्थन दे रहे हैं। शायद सरकार ने आंदोलन की दखल जल्दी नहीं ली तो ये आंदोलन महाराष्ट्र में गांव गांव तक घर घर तक पहुंच सकता है, ये भी सरकार ने जानना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, जो 30 दिन से आंदोलन बॉर्डर पे चल रहा है, जो लाखों में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इतनी ठंड की तड़ाके के अंदर, तो ये 3 कानून जो है मोदी सरकार ने बलजबरी उनके ऊपर लादे हैं। और अगर ये 3 कानून अगर शेतकरों को नहीं पसंद है, नहीं है कि बलजबरी क्यों लादते हैं, जो चीज इतनी अच्छी स्मूथ चल रही है वो स्मूथ चलती रहे। आज इस औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर में किसानों के समर्थन में आंदोलन रखा गया। ये आज हमारे महाविकास आघाड़ी के आमदार माननीय अंबादास जी दानवे साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज हम इस माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब की तरफ से, जिनका धोरण है 80% समाजकरण 20% राजकारण का, तो हम आज हमारा समर्थन यहाँ किसानों के हित में देने आए हैं। हम यहाँ पर एक ही दरखास्त करना चाहते हैं केंद्र शासन से कि आप अपनी हट पे ना अड़े रहे। जो आप बिल आप पास करना चाहते हैं किसानों के हित में बताकर, अगर वो किसानों के हित में होता तो आपके ही केंद्रीय मंत्री राजीनामा देने की नौबत नहीं आती और ना ही आंदोलन की शुरुआत होती। आज लाखों किसान दिल्ली के सड़क पर आंदोलन करते हुए बैठे हुए, मैं आपसे नम्र विनती करना चाहते हैं हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप अपना हट हटाए और किसानों को खुशहाल जिंदगी जीने का मौका दे, बड़े व्यापारियों का समर्थन ना करें और ये 3 शर्त खारिज की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय